हेलो गाइस, कैसे हैं? चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, हमने क्या बात किया था उसके बारे में भी बात करेंगे, और साथ ही साथ में देखिए कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो उस पर भी हम इस जगह ध्यान रखेंगे। अब देखिए आज का लो अगर हम बात करें तो आज का लो कितना था, आज के लो की अगर हम बात करें तो 50,800 का हमको आज का लो देखने को मिला, और यही लो हमारा क्या था, एक सपोर्ट लेवल था। और आज का अगर मैं इस जगह बात करता हूँ इसमें जो तेज़ी देखने वाली तो हमारी जो क्लोजिंग देखने वाली वो 52,200 के आसपास हमें जगह क्लोज होते हुए दिखाई दिए, जो कि एक इसका रेजिस्टेंस भी पॉइंट बन जाता है, ठीक है। लेकिन रोल ओवर अगर मैं आज की बात करूँ तो आज एक बढ़िया तेज़ी देखने वाली, और ऑलमोस्ट अगर मैं नीचे से बात करूँ तो 1,000 पॉइंटों के आसपास की हमको इस जगह तेज़ी देखने वाली, यानी 1,000 पॉइंटों के आसपास की देखिए आज के दिन बाजार में तेज़ी देखने वाली। अब सवाल आता है कि कल कैसा बाजार हो सकता है, क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को पूरा देखो कि कल मैंने क्या बताया था उसको आप थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हम जो देख रहे हैं क्या रियल में वो चीज़ें होती हैं कि नहीं होती है। और उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले देखें यहाँ पे आपको मैं लगा के दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए मैं आपको लगा के दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले इस जगह हम बात करेंगे जो कि इसका जो चार्ट है वो आपको दिखाई देगा, 5 मिनट का चार्ट। 5 मिनट के चार्ट पे क्या हुआ, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी ओपनिंग देखने वाले, और कहीं ना कहीं देखिए एक डाउन ओपनिंग हुआ था, लेकिन जो आपका मॉर्निंग वाला जो कैंडल था वो मॉर्निंग वाले कैंडल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे से एक अच्छी तेज़ी देखने वाली। प्लस मैंने आपको जो ग्रीन लाइन के बारे में समझाया था, यहाँ पे जो 200 मूविंग एवरेज है इसके बारे में मैंने आपको बोला था कि जब भी ये इसके आसपास आता है तो यहाँ पे हमको चांस लेना है सेलिंग करने का, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले भी अगर आप देखो तो यहाँ पे एक जो 200 मूविंग एवरेज हमको देखने को मिलता था, यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे सेलिंग देखने का चांस मिलता था। और देखिए अगर आप देखो तो ऊपर से एक अच्छा सेलिंग आया, और जो हमारा नीचे वाला लेवल था जो कि ऑलमोस्ट देखिए इस जगह 50,800 वाला जो प्राइस था, ये हमारा क्या था, एक सपोर्ट का प्राइस था, जो मैंने आपको कल भी बोला था कि अगर इस जगह कहीं पे आता है तो यहाँ पे हमको सेलिंग नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हमको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है, यहाँ पे हम कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम देखिए बाइंग का ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप देखो तो कितना अच्छा जंप हमको दिखाई दिया, और उसके पहले भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ पैटर्नों के बारे में मैंने आपसे बात किया कि बाज़ार में एक तो देखिए हैनर शोल्डर पैटर्न होता है, हम इसको देख सकते हैं, ठीक है, इसको समझ सकते हैं। और दूसरा होता है देखिए एक आपका डबल बॉटम, डबल बॉटम को हम इस जगह बोलते हैं कि जो हमारा डब्लू पैटर्न है उस चीज़ को भी हम इस जगह बोलते हैं। तो यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न हमारे सामने बनता हुआ दिखाई दिया, जो कि आपको देखिए यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका एक डबल बॉटम है, यानी पहले लो पड़ा फिर उसके बाद लो, और यहाँ पे इसने देखिए एक बेस बनाया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो 50,800 वाला लेवल था उसके नीचे नहीं जा रहा था, और उसी के आसपास देखिए यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉटम क्रिएट था, और डबल बॉटम के लेवल को जैसे इसने देखिए ब्रेक किया, यहाँ से अगर आप देखो तो जबरदस्त एक हमको यहाँ पे एक तेज़ी देखने वाली। अब मैंने कल क्या बोला था उसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर कल किस तरीके से काम कर सकते हैं उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने आपको कल बताया था, इसको मैं प्ले कर देता हूँ, हमको कितना नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दिया। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैंने शॉर्ट किया होता इस लेवल से, तो यहाँ से अगर आप देखो तो इसने देखिए अभी तक करेक्शन है, यानी अभी की हम इसमें क्लोजिंग ले लेते हैं 6% के आसपास का हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसका लो तक अगर हम आते हैं तो लो तक देखिए ऑलमोस्ट आपको 8% के आसपास हमको देखने मिलता है। अभी हम इसमें देखिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसको हम अभी तक होल्ड कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस लेवल को अगर हम होल्ड नहीं करेंगे तो फिर इसमें भी एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। और इसका एक प्राइस है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा 50,800 का, ठीक है। 50,800 का एक ऐसा लेवल है यहाँ पे हम अभी होल्ड कर पा रहे हैं, और आज हमने जो क्लोजिंग किया वो 51,200 के आसपास की हमारी क्लोजिंग है। तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखते हो कई बार देखिए एक बाउंस बैक हमको देखने वाला, अगर देखिए निफ्टी सपोर्ट देता ना तो बैंक निफ्टी तो देखिए ऑलमोस्ट आप इस जगह समझिए कि वो निफ्टी के साथ ही देखिए ऊपर की साइड निकल जाता,
तो हमारे लिए एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, अगर इसको नीचे की साइड ब्रेक करता है, जब भी हम कुछ किसके बारे में देखें सोच सकते हैं नया सेलिंग के आसपास। बाकी यहाँ पे देखिए हम थोड़ा इसमें सपोर्ट के आसपास एक बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या चीज़ समझाई थी। सबसे पहली बात मैंने आपको समझाया था कि इसका जो आपका हाई था, ठीक है, या इसकी जो क्लोजिंग की अगर मैं बात करूँ, उस क्लोजिंग से मैंने आपको ऑलमोस्ट 400 पॉइंट नीचे की साइड इस जगह हम सपोर्ट के आसपास बाइंग करने का ट्रेड ले सकते थे, ठीक है, जो कि हमारा जे वाला प्राइस था। दूसरी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे ये बोला था कि इस प्राइस के आसपास आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आपने शॉर्ट की पोजीशन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मल्टी टाइम सपोर्ट है। यहाँ पे क्या है, मल्टी टाइम सपोर्ट है, और एक बार इसको लेवल को टेस्ट करता है और यहाँ से देखिए एक अच्छा मूवमेंट करता है। इस चीज़ को भी मैंने यहाँ पे क्लियर कट आपको बोला था। यानी तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बोला वो एक ही संदेश बोला कि यहाँ से हमको एक बाइंग देखने को मिल सकती है, और जो बाइंग हमको देखने वाला वो डब्लू पैटर्न में देखने वाला। डब्लू पैटर्न को हम बोलते हैं डबल बॉटम, ठीक है, जो हमने यहाँ पे समझा। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल लाइक किया करो, ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करो। अब देखिए कल कैसे काम कर सकते हैं उसको अपन समझते हैं। अब देखिए कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, और चार्ट बहुत अच्छा खासा मूव कर चुका है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एक 15 मिनट के चार्ट पे लेके आएंगे हम। यहाँ पे आप समझो कि चार्ट पैटर्न काम कैसे करता है, क्या क्या होता है इसके अंदर, वो अपन समझते हैं। अभी क्या है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आज के दिन अगर मैं इसमें बात करता हूँ, तो आज का दिन अगर मैं इसमें जे भी निकाल के दिखाऊँ रेंज, जो कि इसके लो से अगर हम रेंज निकालते हैं इसके हाई की, ठीक है, तो वो हमको देखने को मिलता है 1400 पॉइंटों के समथिंग। यानी 1400 पॉइंट का इसमें देखिए आज के दिन एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। अब यहाँ पे पीछे की साइड क्या है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, और इन सब के क्या है, यहाँ पे SL खा चुका है बाजार, ठीक है। और जी SL किसके खाए हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करके रखा था। प्रॉफिटेबल कौन है, प्रॉफिटेबल है यहाँ पे बायर, ठीक है। लास्ट में अगर आप देखो तो बायर ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। ऊपर की साइड हमारे पास ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, जो कि आपका 52,200। इसको हमेशा याद रखना है, ऐसा नहीं है कि जब मूवमेंट आया है तो इसको हम भूल गए, हमको इसको भूलना नहीं है। अगर इस कल के दिन ये क्या करता है कि इसी के आसपास आता है, थोड़ा कंसुलेट करता है, समय बिताता है, समय बिताने के बाद इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, या इसके ऊपर ही ये ट्रेड करता है, जो कि आपका 52,200, ठीक है, इसके ऊपर आपका निकलता है, तो हम इसके अंदर क्या करके चल सकते हैं, इसके अंदर देखिए हम एक अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझना है, इसके ऊपर ही लेना है, ये आपका 52,200 का लेवल है, इसके ऊपर ही हम इसमें सोच सकते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन क्या रहेंगे, तो उसको अपन समझ लेते हैं कि पहला हमारे पास रहेगा 52,400, फिर रहेगा 52,600, फिर रहेगा 52,800, और फिर हम जा सकते हैं 53,000 के आसपास, ठीक है, 53,000 के आसपास हम जा सकते हैं। अब देखिए ऐसा होगा क्यों, क्योंकि आपको पता है अमेरिकी मार्केट में चुनाव हैं, और आज के दिन चुनाव हैं, और कल तक ये चीज़ें चालू हो जाएंगी कि कौन जीत सकता है, कैसे सरकार बन सकती है, किसकी बन सकती है। और मेरा देखिए जितना नॉलेज है या मुझे जितना लगता है, इंडिया के अंदर भी वही हुआ था कि एक स्टेबल सरकार चाहिए, यानी उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, कुछ लीडर होना चाहिए, और ऐसी सरकार होना चाहिए कि जो मिलीजुली चरखा ना हो, कि एक मिलीजुली सरकार बनी है वो स्टेबल नहीं होती, कभी उनका इस पक्ष का कोई काम सही से नहीं करता, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे फिर कंपनियाँ भी सही से मैनेज नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए क्या है, एक अच्छी सरकार होती है, जैसे कि अपने यहाँ पे अगर आप देखो तो भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी की अगर मैं बोलूँ, तो अब की बार बाजार क्या हुआ था, 400 पार होगा, लेकिन 400 पार नहीं हुआ, वहाँ से सेलिंग आ गया, यानी सीटें कम आई, तो बाजार ने उस तरीके से रिएक्ट किया, बहुत तेज़ी से के साथ नीचे की साइड गया। लेकिन फिर उसके बाद कम से कम सरकार बनी, तो स्टेबल सरकार तो नहीं थी, लेकिन सरकार का रिकॉर्ड अच्छा, इसलिए फिर वहाँ से एक मूवमेंट हमको दिखाई दिया। तो ये चीज़ें हमको 52,000 के ऊपर देखने। अब देखिए ये चीज़ें तो काफ़ी क्लियर हुई, ठीक है। अब यहाँ पे अपन और समझ लेते हैं कि 1 आवर्स का चार्ट क्या कहता है।
तो वन आवर्स के चार्ट पे जैसे ही मैं यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या एक बॉक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बॉक्स को ऐसा नहीं कि अनदेखा हमको करना है, अनदेखा नहीं करना है उसको, अनदेखे से मतलब आ जाता है एक इग्नोर नहीं करना है इस बॉक्स को। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे मैं इस पूरे बॉक्स को लेके आता हूँ और यहाँ पे देखिए ये बॉक्स लगा है, ठीक है यहाँ पे। और इसको भी यहाँ मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ और इसको नीचे इस साइड लेके आ जाते हैं। अब ये बॉक्स क्या बता रहा है, पहले अगर आप देखो तो अब इसने इस बॉक्स के अंदर एंट्री की थी अक्टूबर में। अक्टूबर में जब इसने एंट्री की थी तो पहले सेलिंग दिया, फिर बाउंस बैक दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक वी रिकवरी हमको दिखाई दी, लेकिन ये फेल हो गया था, फिर सेलिंग दिखाई दिया। उसके बाद हम 18 तारीख के आसपास, 19 तारीख के आसपास फिर इसको टेस्ट करने की कोशिश की, फिर फेल हो गया। फिर उसके बाद हम फिर से आए 28 तारीख के आसपास, फिर इसने फेल किया। अब हम फिर से इसी जोन के आसपास है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, लेकिन पहले का ट्रेड और अभी का ट्रेड में अगर आप देखो तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आज के दिन जो तेज़ी देखने वाली वन कैंडल में ऐसा दिखाई दिया कि मार्केट में बहुत कुछ होने वाला है या कुछ अच्छा आने वाला है, तो बहुत अच्छी बाइंग हमको देखने वाली। और प्लस देखिए एक्सपायरी नहीं थी। अब देखिए हम कल क्या करके चल सकते हैं, अगर ये आपका फेक ब्रेकआउट है तो यहाँ पे एक मूविंग एरवेज जा रहा है, ये आपका 200 मूविंग एरवेज है, ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये आपकी 200 मूविंग एरवेज है ग्रीन वाली। और ये लाइन आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, देखिए ये ग्रीन वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी 200 मूविंग एरवेज है, ठीक है। अगर ये इस 200 मूविंग एरवेज के नीचे ट्रेड करता है वन आवर्स के चार्ट पे, छोटे चार्ट पे नहीं, छोटे चार्ट पे आप धोखा खा जाओगे इसके नीचे। अब इसके नीचे ट्रेड करेगा तो इसको जाना पड़ेगा 51,950 के नीचे। इसके नीचे अगर ये ट्रेड करना चालू करता है और यहाँ पे देखिए समय बिताता है ये ऑलमोस्ट आप 15 से लेके 30 मिनट का समय, ठीक है इतना समय बिताता है। और फिर ये नीचे जाता है तो फिर से आपको ये सेलिंग फिर से फिल होते हुए दिखाई दे सकती है, ठीक है। फिर से एक हमको सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है इस प्राइस के नीचे, ठीक है ये समझ में आया। या फिर आप ये समझो और यहाँ से अगर सेलिंग देखने बोलेगा तो वो आपको 51,400 तक ही देखने बोलेगा, या फिर आपका 51,500, ठीक है यहाँ तक ही हमको सेलिंग देखने बोलेगा। फिर यहाँ पे हमारा पास एक सपोर्ट आ जाएगा और इस सपोर्ट पे ये कहानी आपको समझ में आएगा जो मैंने आपको समझाई, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। और अगर आपका गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होता है या इस प्राइस के आसपास मिलता है तो ये हमारा सपोर्ट रेंज है। फिर इस सपोर्ट रेंज पे हम क्या करके चल सकते हैं, एक बाइंग का जोन बना सकते हैं, ठीक है इस बाइंग का जोन बना सकते हैं। और यहाँ से अगर बाइंग करता है तो ऑलमोस्ट फिर हमको 400 से लेके 500 पॉइंटों का एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा अगर ये सपोर्ट जोन के आसपास आता है तो, ठीक है। और इसको नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हम एक सेलिंग का जोन बना सकते हैं जो कि इस सपोर्ट तक आता हुआ दिखाई देगा। तो हमने गैप अप की बात कर ली, हमने गैप डाउन की बात कर ली, और इसका ऊपर अगर निकलता है तो वो हमारे लिए देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 53,200 तक, ठीक है यानी यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो फिर 53,200 तक एक जाने की कोशिश करेगा। फिर इसमें हम विचार करेंगे कि यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। अगर यहाँ पे ओपन ही हो जाता है गैप के साथ तो कुछ मत कीजिए, अगर यहाँ से अगर निकलता है तो यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर मुझे बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्री डीमैट अकाउंट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।